फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल संस्कृता ब्लॉग्स। तो आज हम लोग फिर से आ गए हैं एक न्यू वीडियो के साथ। तो आज मेरा पीटीएम मीटिंग है, मुझे स्कूल जाना है थोड़ी देर में। और ये देखिए फ्रेंड्स, नवरात्रि चल रही है तो बेबी यहाँ रंगोली बना रही है। देखिए बना रही हो, क्या रंगोली बना रही हो? थोड़ा जोर से बोलो, जोर से बोलो। फूल बना रही हो? अच्छा, ये फूल है कि ये फूल है? कमेंट में बताइए, ये फूल है कि ये फूल है? नहीं, ये फूल है। फूल कौन है? बेबी फूल है। बेबी फूल है ना, है ना? नहीं। तो फ्रेंड्स, बेबी अभी रंगोली बना रही है, इसको छेड़ते नहीं बनाने दो, वैसे भी ये गंदा बनाने वाली है। हाँ, बाद में भी गंदा ही दिखेगा। कल का रंगोली बनाई थी तू? हाँ, मेरे को तो ये तो टट्टी है, इसलिए मैं छोड़ दिया था। फ्रेंड्स देखिए अभी मम्मी क्या कर रही है, क्या कर रही हो मम्मी? बेबी का यूनिफॉर्म का देखना चाहिए, कैसे सिलाई खुली जा रही, मशीन चलाऊंगी थोड़ा फिर इसको सिलाई करूंगी। अच्छा, मम्मी को भी काम है। हम लोग सब खाना वाना खा लिए, अब पापा और मैं जाते हैं स्टेशन, और मतलब पहले पीटीएम मीटिंग, फिर उसके बाद एक हमारे न्यू गेस्ट आने वाले हैं, हम आपको बाद में बताएंगे, तो उन्हें भी लेना है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आप देखना, एक्साइटमेंट रहना। फ्रेंड्स अभी हम लोग सबसे पहले मेरे स्कूल जा रहे हैं पीटीएम क्लियर करके, फिर अपन वहाँ से स्टेशन जाएंगे उनको पिकअप करने के लिए। तो बने रहिए वीडियो में आगे तक। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग मेरे स्कूल पहुँच चुके हैं, आने वाला है बस। ये देखिए, ये रहा मेरा स्कूल डीएवी मॉडल। तो अपन स्कूल आ चुके हैं, अब अपन पीटीएम क्लियर करते हैं। तो फ्रेंड्स आपको याद होगा, हमने पापा का एक शूज ऑर्डर किया था जो हमें आज मिलने आना था, लेकिन वो शॉप बंद थी, शायद अभी बंद होगी, बाद में खुल सकती है। तो अभी हम लोग घूम रहे हैं क्योंकि अभी जो हमारे गेस्ट है वो आने वाले हैं, और गेस्ट का टाइम है 1 बजे, जो प्लेटफॉर्म में ट्रेन आएगी 1 बजे आएगी स्टेशन दुर्ग। तो अब अपन घूम रहे हैं, हमने सोचा ज़्यादा घूमते नहीं, 12:30 हो चुका है, तो हम लोग यहीं स्टेशन में वेट कर लेते थोड़ी देर, एसी चलाते हुए कहीं रुक जाते, पार्किंग में कार स्टैंड करके रुकते हैं। ये रहा दुर्ग स्टेशन जंक्शन, दुर्ग जंक्शन है ये। तो फ्रेंड्स अभी हमने मेहमानों को घर में छोड़ दिया है, वो अभी थोड़ा रेस्ट कर रहे, फ्रेश होते हैं, फिर हम लोग आपसे उसको आपको उनसे मिलाने वाले हैं। और अभी यहाँ पे हमारी बुलेट खड़ी है, हमने सोचा बुलेट थोड़ी गंदी हो गई है तो इसका सर्विसिंग भी करवा लेते हैं, और कल कार की लास्ट डेट है सर्विसिंग की, तो वहाँ भी हम आपको ले जाने वाले हैं। अभी आज बुलेट की सर्विसिंग करा लेते हैं, तो चलिए फ्रेंड्स बुलेट की सर्विसिंग कराते हैं और आपको दिखाते हैं। फ्रेंड्स गाड़ी का सीट कवर फट गया था, और ये भैया गाड़ी का सीट कवर बना रहे अभी, ये भी एक कला है। देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ सामने से फट गया था और यहाँ पे मस्त अच्छे से डिजाइन लगा दिए हैं। हाँ डालो, और ये ऊपर कवर डाल दिया। अब फिटिंग कर दे, अब इसको स्ट्रेच करेंगे। ये देखिए अब इस एयर गन से, बहुत ही स्पीड से काम करते भैया, एक्सपीरियंस वाले हैं।
फ्रेंड्स इसमें खतरा भी है, फिर भी ये अंकल बड़े अच्छे से काम कर दे रहे हैं। सालों से कर रहे हो काम? 15 साल हो गए। 15 साल? तुम्हारी उम्र कितनी हो गई? मेरी 35 हो गई। 35 साल? 35। पैंतीस साल के तो लगते नहीं है। अगर गलती से चमड़ी पे लग जाए तो क्या होगा? तुरंत हॉस्पिटल जाना पड़ेगा भैया। तो फ्रेंड्स देखिए सीट कवर अब रेडी हो चुका है, अब इसे यहाँ गाड़ियों में फिट करेंगे। अब इसकी फिनिशिंग का काम चल रहा है, फिर इसे गाड़ी में फिट करेंगे। फ्रेंड्स देखिए अब सीट कवर रेडी हो चुका है, पूरी गाड़ी में रख चुका है अच्छे से, ये फिट भी हो चुका है। ऐसे ही होता है ये सीट कवर का काम। फ्रेंड्स ये मेरे पापा के दोस्त का कारखाना है, यहाँ पे हम लोग अपने बुलेट को मॉडिफाई करवाने आए हैं। इसे साइलेंसर में कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे और ये देखिए इसका साइलेंसर का मॉडिफिकेशन करेंगे कुछ, जिसका सब साउंड बढ़िया आएगा। और ये देखिए यहाँ काम भी चल रहे हैं। बैटरी को लाके बंद करके मार देते हैं। फ्रेंड्स मैं आपको बता नहीं भूल गया, आज बेबी का फैंसी ड्रेस कंपटीशन है, तो जिसमें बेबी
माता रानी बनी है दुर्गा माता। तो चलो मैं आपको उसको दिखाता हूँ कितनी सुंदर दिख रही है वो। देखिए फ्रेंड्स कितनी सुंदर दिख रही है बेबी, हाय बोल दो। देखो फ्रेंड्स ये त्रिशूल भी है, जय माता दी, कितनी सुंदर दिख रही है बेबी। आशीर्वाद दे दो सबको, आशीर्वाद दे दो। अरे हमको नहीं, इनको दो, ऐसे करके आशीर्वाद दे दो। खुश रहो खुश रहो, मॉडर्न मॉडर्न माता रानी है। तथास्तु बोल दो, तथास्तु बेबी, तथास्तु बोल दो, बोलो कुछ बोलो तो। आप सबकी मनोकामना पूरी हो। बोल नहीं पा रही है ये बच्ची माता रानी। आप सबकी मनोकामना पूरी हो। जोर से बोल बेबी।